हे भगवान, 10 बज गए, ये काम वाली बाई क्यों नहीं आई अभी तक? नाश्ता भी बनाना है, साफ सफाई करनी है, सारा घर फैला पड़ा है। अरे माँ, ये सारा काम तो तब होगा ना जब तुम्हारी नौकरानी काम करने के लिए राजी होगी। ऐसी बात नहीं है, मेरी फोन पर बात हो गई है, सारी पगार वगैरह फिक्स कर दिया है, उसने कहा था आ जाएगी। चलो ये तो अच्छा हुआ, लेकिन इस बार सब कुछ जांच पड़ताल कर ली है ना ठीक से? पिछली वाली की तरह इसे भी चोरी करने की आदत तो नहीं है? आपको याद है ना पिछली वाली ने क्या किया था, मेरे सारे कपड़े मेकअप सब गायब कर लिया था। सब एक जैसे नहीं होती है खुशी, ये सही है तुम्हारा। अरे लगता है आ गई। सॉरी आज आने में थोड़ा देर हुई। अच्छा कोई नहीं, तू कल से ध्यान रखना। सुन पहले चल के नाश्ता बना ले, फिर साफ सफाई भी बताती हूँ। और सुन ये अपना बस्ता है ना, ये स्टोर रूम में रख देना, वहीं रहेगी तू, ठीक है? जल्दी से बना ले। ए कौन है? हमारी नई नौकरानी जिसका नाम है रानी। अच्छा भैया मैंने अपने फ्रेंड से मिलने बाहर जा रही हूँ, माँ को बता देना ठीक है? अरे पर एक सेकंड खुशी, अरे खुशी सुनो तो, ये मेरे बेटे जतिन का कमरा है, और सुन यहाँ डस्टिंग के साथ साथ ना रोज वॉशरूम भी साफ कर दिया कर, जतिन को साफ सफाई बहुत पसंद है, तो एक काम कर साफ सफाई यहीं से शुरू कर, मैं अभी आती हूँ। जी मम्मी, ए क्या कर रही हो? मामू वो मैं कपड़े किससे कहा तुमसे, दूर हटो, खबरदार अगर मेरे अलावा मेरे सामान को हाथ लगा तो, समझी? क्या हुआ जतिन, गुस्सा क्यों कर रहे? अरे तो साफ सफाई तो कर रही थी ना। अरे मम्मी आपको अच्छे से पता मुझे सब पसंद नहीं है, अब देखिए तो मैं कहूंगा तभी आना साफ करने के लिए, मेरी इजाजत के बगैर आप इन चीजों का हाथ मत लगाना। बेटा तू जानती हूँ तुम्हें नहीं पसंद कि कोई तुम्हारे कमरे में आए। पर बेटा साफ सफाई के लिए तो आना ही पड़ेगा ना। अरे मम्मी मुझे मेरी स्पेस बहुत इम्पोर्टेंट है, ये बात आपको अच्छे से पता है, मैं आपको तक आने नहीं देता, प्लीज आप भी समझ लीजिए और इसको भी समझा दीजिए। अब काम कर, चलो यहाँ से, ये जैसा कहे ना वैसा ही करना, मैं तुझे दूसरे कमरे दिखा दू। चल एक सेकंड, ये दो। चल खुशी बेबी, खुशी बेबी दूध लाई हूं आपके लिए। नहा रही है अभी तक। क्या कर रही तुम? दीदी बुब, हम बस देख रहे थे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामान को हाथ लगाने की? माँ, दीदी हम किससे पूछा था तुमने? हाँ सुनिए, आपसे कहा था ना कि ध्यान रखने, मेरा सामान चुराने वाली थी, ये तो सही समय पे मैं आ गई। नहीं बेबी, मैं कोई सामान नहीं चुरा रही थी, मैं तो बस वो कानों के देख रही थी। रानी अगर देखना ही था तो पूछ कर देखना चाहिए ना, ऐसे किसी के सामान को हाथ लगाने की क्या जरूरत है? माँ इसकी भोली भाली बातों में मत आइए, इसका इरादा चुराने का ही था। नहीं बेबी मैं कुछ नहीं चुरा रही थी, नहीं मेरे चुराने का कोई इरादा था। अब ठीक है शांत हो जाओ, कोई कुछ नहीं कह रहा है तुम्हें, और खुशी तुम भी शांत हो जाओ, वो बस देख ही रही थी बस। माँ आज देख रही है कल चुरा लेगी। अरे तुम अभी से क्यों सोचने लगी कल क्या करती नहीं करती, तो गलत बात है ना, और तुम अगली बार से किसी के सामान को बिना पूछे हाथ मत लगाना। जी बाबा। ठीक है जाओ अपना काम जाके कर। खुशी बेटा, अरे हर बात को इतना दिल पे मत लिया करो,
शांत रहो। आप भी ना। अरे खराब हो गया। इतनी रात को खिड़की से आने की क्या जरूरत थी? माँ ने देख लिया ना तो गड़बड़ हो जाएगी। तुम जाओ यहाँ से। अब आधी रात को अपने गर्लफ्रेंड की जा रहा है तो मिलने तो आना ही पड़ेगा ना। तुम्हें नहीं लगता कि आजकल तुम्हें दादा याद आने लग गई है? हाँ, अब तुम वो ही इतनी हॉट तो क्या करें। सुनो, अब तुम्हें जाना चाहिए। किसी ने देख लिया ना तो गड़बड़ हो जाएगी। वैसे भी अब घर में नौकरानी भी है। अरे यार, तुम भी ना कितना डरती हो। कोई नहीं है, कुछ नहीं होगा। ओ, मैं कोई नहीं डरती। वैसे कल तुम्हारा पेपर है ना, तैयारी हो गई? हो जाएगी तैयारी। हो जाएगी? इसका क्या मतलब है? जय, मुझे ना तुम्हारा ये एटीट्यूड बिल्कुल पसंद नहीं है। इन सालों में ना तुम्हारा फ्यूचर डिपेंड करता है। और तुम जय, अगर फेल हो गए ना तो ना नौकरी मिलेगी और ना मैं। तुम फ्यूचर का सोच रही हो और मैं अभी के बारे में सोच रहा हूँ। फ्यूचर का सोचना पड़ता है। जतिन भाई को देखा है, कितनी मेहनत करते हैं, दिन रात पढ़ाई करते रहते हैं, और तुम्हारा ये केयरलेस एटीट्यूड। जतिन भैया, जतिन भैया, जतिन भैया, बस जतिन भैया की बात करते रहते हो तुम। जिस जतिन भैया की बात कर रही हो ना, मेरे दोस्त का भाई उसके साथ कॉलेज में पढ़ता है। पता है क्या बोलता है वो? आधे टाइम तो कॉलेज तक नहीं आता जतिन, तुम्हारा जतिन भैया। अच्छा, तो उसी फ्रेंड से पूछना ना कि भले ही वो कॉलेज कम आते हैं लेकिन कॉलेज में टॉप कौन करता है? मेरे जतिन भैया। उनसे कुछ सीखो, जाके पढ़ाई करो। जतिन भैया, जतिन भैया, तुम्हारे जतिन भैया के चक्कर में ना मेरा मूड खराब हो गया। जा रहा हूँ मैं। अरे वहां से नहीं, खिड़की से। गुस्से में दिमाग भी काम नहीं करता तुम्हारा। तुम्हारे जतिन भैया के चक्कर में ना मेरा जूता भी गिर गया। जा रहा हूं। लेट हो रही हूँ, मैं टिफिन ला दीजिए ना। अरे हाँ हाँ, आ गई आ गई।
ये ले तेरा टिफिन और सुन पूरा खत्म करके आना। हाँ ठीक है मैं चलती हूँ। संभाल के जाना। हाँ हाँ बाय बाय। खुशी चली गई। हाँ आजकल तू कॉलेज क्यों नहीं जा रहा है? वो घर पे पढ़ूंगा ना मैं। किशोर भी आ रहा है थोड़ी देर में। वो तो ठीक है तुम्हारे मार्क्स अच्छे आ जाते हैं इसलिए मैनेजमेंट कुछ बोलता नहीं है, वरना तो तुम्हें एग्जाम्स देने में तकलीफ हो जाती। अब भी हमेशा एक ही सवाल बार 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 बार। मुझे घर पे पढ़ना अच्छा लगता है कॉलेज से, इसीलिए पढ़ता हूँ। यहाँ कोई टाइम पास थोड़ी कर रहा हूँ मैं बस बता रही हूँ। इसमें इतना गुस्सा होकर बात करने की कोई जरूरत नहीं। देख रही हूँ आजकल बात बात पर चिढ़ाता है। सब ठीक है ना? सब ठीक है। आप भी टोका मत करो ना बीच बीच, अच्छा नहीं लगता। नमस्ते आंटी। अरे आओ नाश्ता करोगे बेटा? नहीं नहीं आंटी, मैं घर से करके आया। एक काम कर मम्मी, हम लोग अंदर जा रहे पढ़ने के लिए, अब डिस्टर्ब मत करना प्लीज। ठीक है किशोर, ये वाला ले ले। जी ओके। नाश्ता करेगा? खा ले तू। अरे ले ना ले थोड़ा। चले अरे खा तो यार तू भी गया घर के। क्या अरे खा तू, खा के आया हूं। लो। अरे कब तक ऐसे घर के कमरे में बंद रहेगा? अरे जरा बाहर निकल यार, भी शुरू मत हो जाए यार। ये बता वो सामान लाया? हाँ लाया हूं। पता है कितना रिस्क उठा के आया हूं मैं, और मेरी मान ये सब चोरी छुपे करना बंद कर दे। अब पूरी जिंदगी तो ऐसे नहीं रह सकता ना तू। वाह चेहरे की चमक तो देखो। थैंक यू यार। यार तुझे नहीं पता यार कितने महीनों से इसके लिए पैसे इकट्ठे कर रहा था मैं। तू नहीं समझा यार। हाँ बेटा हम नहीं समझेंगे और हमको समझना भी नहीं है। चल निकलता हूँ, देर हो रही है। क्योंकि बेटा तुम तो ठहरे पढ़ाई में हीरो, इसलिए कॉलेज का मैनेजमेंट तुम्हें संभाल लेता है, लेकिन मेरी अटेंडेंस कम लग गई ना तो मामला गड़बड़ा जाएगा, बता रहा हूँ। चल निकलता हूँ। यार थैंक यू यार। मेरे बचपन का दोस्त है तू, तेरे लिए जान भी हाजिर है। चल बाय। क्या हुआ बाबा? वो बेबी जी ने चाय भेजी है। नहीं 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 चाहिए, तुम जाओ। सामान की तलाशी ले, अगर लिया होगा तो सब कुछ वहीं पर हो। चलो। हाँ माँ।
मिल गई तसल्ली आपको? मिला आपको कुछ? बेबी जी, मैंने आपसे कहा था ना कि मैंने कोई चोरी वोरी नहीं की है। मिल गई तसल्ली आप सब लोगों को? ठीक है जाओ तुम अपना काम करो। कहां से आ रही है? आवाज तो इसी कमरे से आ रही है। कान सवरिया देखा देखी तनिक हो जाए हमारी अटरिया पे हजारे सवरिया देखा देखी तनिक हो जाए हमारी अटरिया पे के बढ़िया से लगे पिया कर झाका चाकी बात काड़ी फेंके पिया उड़ावे जहाँ के के बढ़िया से लगे पिया कर झाका चाकी बात काड़ी फेंके पिया उड़ावे जहाँ के कसम दे के मामी लाल पे लाली तनिक हो जाए आ जागे लारी खिलाए दो के मामी लाल पे लाली तनिक हो जाए हमारी अटरिया पे तो वो लाली लिपस्टिक वो सारे कपड़े जो जतिन पापा मतलब चोर जतिन बाबा है कितना खूबसूरत हूं मैं काश ये सबको बता पाता अपनी माँ को अपनी बहन को बता पाता कि ये सब पहनना मुझे कितना अच्छा लगता है जिस जतिन को वो जानते हैं वो तो एक झूठ है सच तो ये है असली जतिन तो ये है अच्छा तो अब रानी पूरे परिवार को उसका असली रूप दिखाएगी ये क्या बदतमीजी है उठो यहां से अरे मम्मी बाबा किसी को मत बुलाओ क्योंकि तुमने किसी को बताया ना तो फिर रानी को सब कुछ बताना पड़ेगा समझ रहे हो ना क्या बताना पड़ जाएगा हाँ क्या बकवास है निकलो मेरे कमरे से हुआ सांप सुन गया या फिर घुंघरुओं की आवाज सुन के कुछ याद आ गया कौन सी आवाज मुझे नहीं पता आप जाइए यहां से तो तुम्हें कुछ भी नहीं पता है ना ठीक है अरे वो नहीं खोलना
अरे बाप रे बाप, ये सब क्या है बाबा? नेल पॉलिश, ये सब? और ये? एक मिनट, ये तो वही है ना जो चोरी हुआ था, जिसका इल्जाम मुझ पे लगा था। बीबी को बुलाती हूँ, उन्हें भी तो दिखाओ। बीबी, मम्मी को नहीं, मम्मी को प्लीज, मम्मी को मत बुला। क्यों? उन्हें नहीं पता कि जिसे वो अपना बेटा समझती है, दरअसल में उसके शौक तो सारे लड़कियों वाले हैं। देखो मैं तुम्हारे पाँव पड़ा हूँ, प्लीज मम्मी को मत बताना, मम्मी झेल नहीं पाएगी। बस बस, यही गिड़गिड़ाना चाहिए। आज के बाद मैं जैसा बोलूंगी ना, तुम सिर्फ वैसा करोगे और ज्यादा शाणपति नहीं। वैसे बिस्तर तो बहुत मस्त है, एकदम मुलायम। रात को आऊंगी मैं सोने के लिए, और तू वहां जमीन पर सोओगे, समझा? वैसे मुझे तुझसे कोई डर तो है नहीं। रानी कहाँ है? इनको भी चैन नहीं है, दो मिनट सुकून से बात तक नहीं करने देती है। चलो बाय बाबा। बाय बेबी। वो नौकरानी, उसने ब्लैकमेल किया तुझे? सब जानती है यार, सब पता है उसे। मैं बोला कि कल रात को मेरे कमरे में आएगी और जो बोलेगी मुझे करना होगा। अभी तू पागल है क्या? अरे कहां फंस रहा है यार? अरे ऐसे चुप रहने से कुछ नहीं होगा, वरना ऐसे घटिया लोग तेरा जीना मुश्किल कर देंगे। अरे तो क्या करूं यार, नहीं समझेगा यार, कोई नहीं समझेगा। मेरी माँ मेरा लड़का कहते फिरते रहती है, क्या बीतेगी उस पर जब उसे पता चलेगा तो? मेरी बहन को लगता है मैं एक परफेक्ट मैन हूं, पर चीजें नहीं है वैसी। पर तो कब तक भागेगा ऐसे? कॉलेज में चिढ़ाने लगे तो घर आकर बैठ गया, अब कब तक ऐसे घर पर पड़ा रहेगा तू? देख मैं पहले बता रहा हूं, बाद में ना रोते हुए नहीं आना मेरे पास। किशोर, अरे हाँ, अरे कितने दिनों बाद मैं आज अच्छी नींद सोऊंगी। अब खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो, जाओ उधर सो जाओ। और ना कल मुझे 10,000 रुपए चाहिए, अब बाद में मत बोलना कि मैंने बताया नहीं था, तो पहले ही जाके अपनी व्यवस्था कर लो। 10,000 किस लिए चाहिए? क्या किस लिए चाहिए? अगर मैंने सबको सब कुछ बता दिया ना, तो तुम ना इधर के रहोगे और ना उधर के रहोगे, समझे? जितना कह रही हूं उतना कर दो। लाइट बंद कर और पड़ जाओ उधर जाकर। जतिन, तुम कुछ चाहिए था? वो ही शर्ट नहीं मिल रही थी मेरी, आपने लॉन्ड्री में दी थी, वो कहाँ है? अरे
ये लॉन्ड्री के कपड़े तो यहीं पड़े हैं, देख ले इसी में होगी। हाँ वो यही यही शर्ट था, ये वाली शर्ट थी तो इसको मैं पहन लूंगा। अरे सुन तो, 16, 17, 18, 19, 20 हाँ वाह बाबा क्या बात, क्या कमाल का काम किया। जो तुम्हें चाहिए वो मिल गया ना। अब तो किसी को नहीं बोलोगी? अरे बिल्कुल भी नहीं बोलेंगे हम, क्यों किसी को कुछ बोलेंगे। अच्छा अब तुम एक काम कर, हमारे लिए जाके एक ठंडी ठंडी कोल्ड कॉफी बना के ले आओ। जाओ ये सब क्या है बाबा, नेल पॉलिश ये सब? ये तो वही है ना जो चोरी हुआ था। बीबी को बुलाती हूँ, उन्हें दिखाती हूँ। अरे ऐसे चुप रहने से कुछ नहीं होगा, तो क्या करूँ यार। जतिन ये क्या कर रहे हो तुम, होश में तो हो? अब क्या खुद की जान ले लोगे? अरे तो क्या करो यार, दम घुट रहा है यार मेरा। वो औरत इतनी लालची है, पता नहीं मुझसे क्या क्या कराएगी। खुद के घर पर चोर बन गया यार, अब उसको मार डालने का मन कर रहा है यार। अरे भाई क्या नौटंकी लगा रखी है, निकालो अपने दोस्त को यहाँ से, मुझे सोना है। ए तमीज से, बस हो गया तुम्हारा ब्लैकमेलिंग। बताया इसने मुझे कैसे तुम इसका फायदा उठा रही हो, पर अब नहीं होगा ये सब। अब तुम्हारी सच्चाई आंटी खुशी सबको बता दूंगा मैं। तू बताएगा? हाँ मैं बताऊंगा। अच्छा जा बता, सबको बता दे, लेकिन ये याद रखना कि मेरे साथ साथ तेरे इस दोस्त की सच्चाई भी सबको पता चल जाएगी। अब अगर तुम दोनों यही चाहते हो तो फिर यही से जाओ, बता दो सबको। चल तू जा, तू नहीं समझेगा यार, तू जा। अबे तू क्या कर रहा है, ये कैसे कैसे बहाने करके बना रही है तुझे, और तू भी इन सब में। मुझे ना समझाने का कोई मतलब ही नहीं है। हाँ हाँ ठीक है जा, और हो सके ना तो दोबारा इस कमरे में लौट के मत आना, क्योंकि ये कमरा ना रानी का है। क्यों बाबा, सही कहा ना मैंने? अब तो तुम्हारा बाबा ही सही कहेगा ना। रानी, रानी 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 रानी, ये तो मर गई यार, पर मैंने जानबूझ के धक्का नहीं मारा जतिन से। मैं सच कह रहा हूं जतिन, मुझे जेल हो जाएगी मेरे भाई, मुझे जेल हो जाएगी। नहीं नहीं चुप, मैं जेल नहीं जाना चाहता मेरे भाई, मुझे बचा ले मेरे भाई। किशोर मैंने कुछ नहीं किया, चुप कुछ नहीं हुआ, चुप कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, ठीक है? ये कुछ सोचने दे यार, मुझे कुछ सोचने दे। मैं देख
इसको हम लोग पीछे गार्डन में किसी तरह दफना देते हैं। मुझे कुछ शक नहीं हो, यही एक ऑप्शन है अपने पास, जैसा मैं बोलता हूँ वैसा कर चुका। चल 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 किशोर, अरे जतिन किशोर तुम दोनों इतनी गए रात के बाहर से कहां से आ रहे हो? मम्मी वो रानी को बस स्टॉप छोड़ने गया था, कुछ इमरजेंसी था उसको। इमरजेंसी? अरे कब? उसने तो मुझे कुछ नहीं बताया। और तुम्हें पता है मेरे कमरे से 10,000 रुपए भी गायब है। अरे शायद रानी ने चुराए होंगे। देखा मैंने बोला था ना कि ये जा रही है इतनी जल्दी, इसका मतलब इसके पीछे कोई कारण होगा। ये पक्का रानी का काम है मम्मी, उसी ने 10,000 रुपए चुराए। किशोर तुम्हारी तबीयत ठीक है ना बेटा? तुम्हें इतना पसीना क्यों आ रहा है? वो आंटी जी वो हमसे वो मम्मी हमारा एग्जाम चल रहा है ना, तो इसीलिए थोड़ा टेंशन में, हम लोग कमरे में जा रहे हैं। जेल हो जाएगी। चुप चुप जेल हो जाएगी, मेरा करियर बर्बाद हो जाएगा। कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है इधर तक। देखिए बात हम दोनों के वाला किसी को नहीं पता। तू रो मत यार, तू रो मत, चुप। किस बारे में बात कर रहे हैं? क्या किसी को पता नहीं चलना चाहिए? इसका पता लगाना ही पड़ेगा। क्या है थे? अरे यार बस काम में फंस गया था तो मैं आ ही नहीं पाया। अरे जतिन कैसे हो आप? ठीक हूं। तुम बैठो, मैं अपना बैग लेकर आती हूं। हाँ आओ जतिन बैठो। नहीं नहीं तुम बैठो। लड़कियों के कपड़े? मिस जति, हाँ मुझे अच्छा लगता है खुद को जति कहना। ये नाम मुझे बहुत पसंद है, पर दुनिया मुझे जतिन के नाम से जानती है। जब मैं स्कूल में था तो तब से ही मुझे लड़कियों के साथ उठना बैठना, उनसे बातें करना, हंसी मजाक करना बहुत पसंद था। जो खुशी मुझे जतिन बनकर नहीं मिल रही, वो खुशी मैं मिस जति बन के पा लेता। ऐसा लगता है जैसे मैं सबसे सुंदर और खूबसूरत। अरे ये मैंने क्या पढ़ लिया जतिन, आई मीन
मिस जति हाँ ठीक है। अरे ये तो ब्रेकिंग न्यूज है। डायरी दे दे मेरी। हाँ हाँ लो ना लो। डायरी दे यार। लो डायरी दे। अरे लो ना ले क्यों नहीं रहे। देख जय मजाक मत कर यार डायरी दे। लो जति मिस जति जय मैं ऐसा मत कर यार प्लीज यार मेरी डायरी दे यार। मिस जति क्यों नहीं ले रही हो। क्या बदतमीजी है ये। बदतमीजी और मैं। अरे मैडम आपके लिए तो ब्रेकिंग न्यूज है। जिस भाई की तारीफ करते करते आप थकती नहीं है ना। आप जानती हैं उनकी असलियत क्या है। जय असलियत क्या बोल रहे हो तुम। अले 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 अले। तो प्यारे से भाई ने अपनी प्यारी सी बहन को बताया भी नहीं। बहुत बुरा करा यार। मुझे मुझे तुम जाओ जय हम आपस में बात करते हैं। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी यार। और मैं ना इन सब में इंटरेस्टेड भी नहीं हूँ। जय क्या बकवास कर रहे हो। हुआ क्या कोई बताएगा मुझे। हुआ जो है वो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। ये देखो अपने भाई की असलियत मिस जति। मेरा भाई ये मेरा भाई वो मेरा भाई फलान मेरा भाई ढिमकान। हाँ ये है तुम्हारा भाई। देखो तुम्हारे भाई की असलियत। मेरा ना दिमाग खराब हो गया था तुम्हारी बातें सुन सुनकर। आज देखो अपने उस प्यारे से भाई की असलियत। खुशी खुशी प्लीज प्लीज रुक जाए। देखो मैं तुम्हें सारी बात बताने वाला था प्लीज पर मुझे हिम्मत नहीं हुई। अरे हिम्मत होगी भी कहां से हिम्मत होगी। वो तो अच्छा है खुशी मैंने तुम्हें सारी सच्चाई बता दी। वरना तुम्हारा प्यारा सा भाई ना तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को सारी जिंदगी बेवकूफ बनाता। बहुत बोल गया तुम। अब जाओ यहां से जाओ और दोबारा कभी यहां मत आना। जाओ खुशी। भैया प्लीज मैं कुछ भी सुनने के मूड में नहीं हूं। मैं आपकी तारीफ करते नहीं थकती थी और आपने इतनी बड़ी बात हम सबसे छुपाई वो भी हम एक छत के नीचे रहते भैया। अब ऐसे कैसे कर सकते हैं हम सबके साथ। माँ माँ को पता चलेगा तो। नहीं नहीं खुशी प्लीज मम्मी को कुछ मत बताना यार। प्लीज मम्मी को कुछ मत बताना प्लीज खुशी एक बार मेरी बात सुन लो प्लीज खुशी। जतिन इतना परेशान क्यों घूम रहा है। वो मतलब चल ठीक है छोड़। जस्ट सुन मैं बाहर जा रही हूँ ठीक है शाम तक आऊंगी। और खुशी भी कॉलेज गई है खाना बना कर रखा है खा लेना ठीक है। दरवाजा बंद कर दे। हुआ खुशी ने मम्मी को कुछ नहीं बताया। ईश्वर क्या हुआ क्या हुआ इतना घबराया हुआ क्यों है। मुझसे तो घर में रहा नहीं जा रहा यार। रह रहे के ना बस वही याद आ रहा है कि कैसे मेरे हाथों से रानी। ईश्वर किसी को कुछ नहीं पता है। कोई तू ऐसे करेगा तो सबको पता चल जाएगा। किशोर मेरा तो करियर बर्बाद हो गया यार। किशोर जो हो गया सो भूल जा प्लीज। अच्छा तो तुम लोग खूनी भी हो। मानना पड़ेगा यार। अब आएगा मजा इस परफेक्ट मैन का भांडा फोड़ने का। क्या क्या नहीं हो तुम लोग। मैं सोच रहा हूं कि तुम दोनों को ना एक मौका दिया जाए ठीक है। चलो एक काम करो अपनी उस प्यारी सी बहन को फोन करो और बोलो यहां आए नाक रगड़े मेरे सामने और माफी मांगे मुझसे और फिर तुम्हारा ये राज ही रह जाए। चलो फोन करो। जय जय मोबाइल वापस कर दे। इतना बोला जाए उतना कर समझा। गलत फहमी है मोबाइल दे दे।
जाए। अरे किशोर, किशोर मोबाइल दे दे मुझे। अरे किशोर, नहीं 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 किशोर, ये देख रहे हैं ना, काट डालूंगा। तेरी असलियत तेरी माँ के सामने भी आएगी। देख जय, माँ को कुछ मत बताना, मैं बता रहा हूँ तेरे को पहले से। जय, नहीं तो बहुत बुरा हो जाएगा अगर मेरी माँ को कुछ पता चल गया तो। हेलो, हेलो पुलिस स्टेशन जी, प्लीज प्लीज आप जल्दी आ जाइए। ए, ए, छोड़ उसे, छोड़। ए, क्या बताएगा सबको, क्या जाके बताते सबको। वैसे भी एक सच को छुपाने के लिए इतने सारे झूठ बोले मैंने, चोर बना अपराधी भी बन गया। तेरे जैसे घटिया इंसान को ना मैं खुद का फायदा कभी नहीं उठाने दूंगा। अरे क्या बोल रहा है, मेरी बहन को मारेगा, हाथ लगा के दिखा, हाथ तोड़ दूंगा तेरा। ये मर्दानगी है ना, लड़कियां पसंद करने से नहीं होती है। तू सही बोल रहा था किशोर, जब तक मैं चुप रहूंगा ना ये लोग मेरे कमजोरी का फायदा उठाएंगे। जा जाके बता, अभी बता सबको। ए, क्या कर रहे हो सर? चाकू लो इससे। सर वो ये जय हम लोग के घर पे घुस के हम लोग को मारने की कोशिश कर रहा था। सर सर आप मेरी बात सुनिए, मैं सिर्फ इन्हें डराने की कोशिश कर रहा था और कुछ भी नहीं। मैं आपको सारी बात बताता हूँ कि हुआ क्या है। अब सारी बातें पुलिस स्टेशन में होगी। पुलिस? जतिन क्या हुआ है? लेकर चलो इसे। सर मुझे आपको कुछ बताना है। सर मेरा यकीन करिए, ये सब हमने जानबूझ के नहीं किया, सिर्फ एक राज को छुपाने के लिए हमने एक्सीडेंटली ये सारी चीजें हो गई। सर जतिन तूने ये सोच भी कैसे लिया कि तेरी माँ तुझे नहीं समझेगी? अरे तू मेरा बेटा है, अलग है तो क्या हुआ, है तो मेरा ही बेटा, और मेरा बेटा सबसे अलग है। तीनों को लेकर चलो।